नमस्कार दोस्तों, मेरे पास कई बिगनर्स के मैसेज आए हैं। एक उनको सभी को एक एक ही टाइप की समस्या हो रही है, वो सप्तक प्ले करने में। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ उसी पर, क्योंकि सभी की यही क्वेरी आ रही है कि हमें ये प्ले करने में दिक्कत हो रही है, और उसी पर मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि वो किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है कि क्या होता है, जैसे जब सप्तक को प्ले कर रहे हैं सा से, जैसे सा रे गा मा पा, पा तक भी किसी किसी का ठीक प्ले हो रहा है या फिर मा तक ठीक प्ले हो रहा है। फिर जब वो पा पर जाते हैं, पा धा नी सा, उसको फिर वो समझ लीजिए कि लोअर ऑक्टेव में प्ले करने लग जाते हैं। होना चाहिए वो मिडिल ऑक्टेव के, और स्वर ऊंचे जाएंगे ना, जैसे समझ लीजिए सा है, सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन हो क्या रहा है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे हो रहा है। तो ये थोड़ा सा खुद को भी कान से सुनकर समझना है कि ये स्वर तो ऊपर जाने वाले हैं, नीचे कैसे आएंगे। ठीक है, और इसको प्ले करने की जो टेक्निक है वो मैं बता देती हूँ आपको। इसमें क्या हो रहा है कि आपका ब्लोइंग प्रेशर आपको माँ के बाद बढ़ाना पड़ता है, पा धा नी सा में, मतलब अम्बोशर जो है आपकी, ये जो मुँह की ये जो है ना, और स्ट्रेच होगी। ठीक है, वो जैसे आप स्ट्रेच ज़्यादा करेंगे और ब्लो का प्रेशर आएगा, तो स्ट्रेच भी अपने आप होगा, स्ट्रेच होगा तो ब्लो का प्रेशर भी बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये कैसे आपको करना है। आप सबकी प्लेइंग जो हो रही है वो मैं बता रही हूँ गड़बड़ क्या हो रही है। कुछ तो ये समझ पा रहे हैं कि हाँ मेरी ये गड़बड़ हो रही है, उनको प्लेइंग नहीं आ रही, और कुछ ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्लेइंग में ये गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ही है, जिनको समझ में आ रही है और जिनको नहीं भी आ रही, क्योंकि प्लेइंग में तो दोनों के ही गड़बड़ हो रही है। समझ में ठीक है, किसी किसी की समझ में आ रही है, किसी के नहीं। तो इस चीज़ को आपको इस तरह से रिकवर करना है कि ब्लोइंग प्रेशर और ये स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही आप पा पर जाएंगे ना, पा धा नी सा, ठीक है, जब आपके ये सारे गामा पाधा निशा सही तरीके से प्ले होने लग जाए, तो फिर लोअर ऑक्टेव को भी ले पाधा नी, और अपर ऑक्टेव के जो है ना, हायर ऑक्टेव के, उसके सारे गामा पा को भी ले। वो मैं फिर एक बार प्ले करके आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप लोअर ऑक्टेव के पा से शुरू कर लेंगे। तो देखिए स्ट्रेचिंग काफ़ी कम है, वही मैं देखिए अगर मैं मिडिल ऑक्टेव में जाती हूँ, आप देखिएगा मैं लोअर से मिडिल के पा में जाऊंगी। ठीक है, देखा आपने, तो वो स्ट्रेचिंग भी चेंज होती है लिप्स की, और आपके ग्लोइंग प्रेशर भी चेंज होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो एक बार मैं पा धा नी सा लोअर ऑक्टेव के पास ही हायर ऑक्टेव के पा तक आपको फिर से प्ले करके बता देती हूँ। आप सुनकर ध्यान दें कि स्वर नीचे से ऊपर जा रहे हैं साउंड में। ठीक है,
ये हायर ऑक्टेव का पा होता है। तो आपने देखा ना कि स्वर कैसे धीरे धीरे पा से लेके हायर ऑक्टेव के पा तक एकदम नीचे से धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, वैसे ही आपको ब्लोइंग प्रेशर भी वैसे ही चेंज करते जाना है। और आपको अम्बोशर जो कहते हैं ना, ये लिप्स की स्ट्रेचिंग, वो आपकी ब्लोइंग प्रेशर से भी चेंज होती जाएगी, और आपकी स्ट्रेचिंग होगी तो ब्लोइंग प्रेशर अपने आप बनता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी इस समस्या का समाधान हो गया होगा, और फिर भी आपको कुछ ना समझ में आया होगा तो मुझे पूछें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछें या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।